केंद्र सरकार ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए एक स्वायत्त ट्रस्ट श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के गठन को मंजूरी दे दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में बताया कि ये ट्रस्ट अयोध्या में भगवान श्री राम की तीर्थ स्थली पर मंदिर के निर्माण और उससे संबंधित विषयों पर निर्णय लेने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा। ये मंदिर कैसा होगा, फिलहाल इस पर कोई अंतिम रूपरेखा तैयार नहीं है, लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद के बनाए नक्शे का पालन किया गया तो इसका अनुमान लगाया जा सकता है। वीएचपी ने कई साल मंदिर निर्माण के लिए अलग अलग नक्शों पर विचार किया और फिर एक नक्शा तैयार किया है। इस नक्शे को राम मंदिर का मूल स्वरूप माना जा रहा है। इस प्रस्तावित नक्शे के मुताबिक मंदिर 128 फीट ऊंचा, 140 फीट चौड़ा और 270 फीट लंबा होगा। इस दो मंजिला मंदिर में 212 स्तंभ होंगे। इसकी छत में एक शिखर होगा जिसे भव्यता को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा। मंदिर निर्माण के लिए द्वार और स्तंभों की नक्काशी कई साल से चल रही है। हालांकि गर्भगृह का निर्माण अभी होना है जहां मूर्ति की पूजा की जाएगी। बताया जाता है कि स्तंभ तैयार है लेकिन गर्भगृह की तैयारी अभी नहीं हुई है। अभी तक 106 स्तंभ बनकर तैयार हो चुके हैं और 106 स्तंभों की नक्काशी अभी होनी है। पत्थरों का काम 1990 में ही शुरू हो चुका था और इसलिए इसमें बहुत सारा काम पहले ही हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।